गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं रश्मि, रश्मि की रसोई में आपका स्वागत है एंड नमस्कार। आज मैं आपके साथ एक नया रेसिपी लेके आई हूँ, वो है हलवा। चलिए मैं आपको बना के बताती हूँ। देखिए दोस्तों, हम अपना गैस ऑन कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, अब मेरा कढ़ाई एकदम गर्म हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे रिफाइंड। हम तो डाल रहे हैं रिफाइंड क्योंकि मेरे घर में किसी को घी पसंद नहीं है, लेकिन आप घी डालना चाहेंगे तो डाल सकते हैं क्योंकि घी में ज़्यादा टेस्टी बनता है। अब इसमें हम डाल रहे हैं सूजी जो कि 100 ग्राम है। सूजी को हम अच्छे से छान लिए हैं, साफ कर लिए हैं क्योंकि बारिश का मौसम है तो इसमें कीड़े भी लग जाते हैं। आप देख सकते हैं इसमें एक भी कीड़े नहीं हैं। अब हम इसको इस तरह से घी में डाल रहे हैं। इसको ब्राउन होने तक अच्छी तरह से इसको हम भूनेंगे। बोले लगे। देखिए दोस्तों, हमारा ये सूजी एकदम अच्छे से ब्राउन हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे पानी। ये डाल दिए पानी। अब हम इसमें डाल रहे हैं चीनी। 100 ग्राम चीनी है, 100 ग्राम हमारा सूजी भी था। इसमें डाल रहे हैं हम चीनी। अब फ्लेवर के लिए डाल रहे हैं इलायची पाउडर जो कि 2 इलायची का दाना निकाल के पहले से हम पाउडर बना के रखे हुए थे। देखिए दोस्तों, मेरा ये हलवा पक के तैयार हो गया है, एकदम परफेक्ट ब्राउन कलर का हो गया है। अब मैं इसको थाली में निकालूंगी और इसको ड्राई फ्रूट्स के साथ गार्निश करूंगी। ये आप ड्राई फ्रूट्स देख सकते हैं। देखिए, ये काजू, नारियल मैंने कद्दूकस करके रखी हुई थी, और ये है किशमिश, ये है काजू, ये है सबको गार्निश करना। देखिए दोस्तों, मेरा हलवा अब ठंडा हो गया है। इसको मनचाहा आकार दे सकते हैं हम। इसको बर्फी का शेप दे रहे हैं ताकि बच्चे एकदम पसंद से खा लें इसको। देखिए दोस्तों, अब हम इसको इससे ड्राई फ्रूट से जो हम पहले गार्निश करके रखे हुए थे कद्दूकस करके, इसको गार्निश कर रहे हैं अब हम। देखिए दोस्तों, कितना प्यारा, कितना सुंदर ये हलवा लग रहा है। दोस्तों, आप देख लिए कि मेरा हलवा किस तरह से बना, और अगर आपको ये रेसिपी अच्छा लगा हो तो एक बार ट्राई ज़रूर करें और अपने फैमिली दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन का घंटी बजा ले जो ताकि हम जो वीडियो डाल रहे हैं तो वो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आपके पास सबसे पहले आ जाए। और लाइक करना जरूर, लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा क्योंकि कमेंट कमेंट पढ़ने से बहुत खुशी होती है।